हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है और टैली प्राइम में क्या खास बताने वाला हूँ आइए चलिए दिखाता हूँ। वैसे तो आपको थंबनेल पे देख के पता चल ही गया होगा कि आज बात कुछ विड्रॉल की होने वाली है, तो चलिए आइए टैली को स्टार्ट करते हैं। तो आप टैली प्रैक्टिस के लिए एजुकेशनल वर्जन, तो यहाँ पर कोई एक कंपनी हमें चूज करनी होगी। चलिए हम एक क्यों ना नई कंपनी बनाए, या फिर इसी कंपनी को चूज कर सकते हैं, जैसे कोई भी एक कंपनी हम इसमें चूज कर सकते हैं। जैसे ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन वाली कंपनी है, ग्रोसरी शॉप है, कोई एक कंपनी चूज कर लीजिए या बना लीजिए। चलिए बना लेते हैं, बनाना ज्यादा ठीक रहता है। तो यहाँ क्रिएट कंपनी पे चल के बना लेते हैं, सारी चीजें डिटेल में समझ में आएंगी। अब ये जो बात है ना, यहाँ पर आपकी टैली की फाइल जाकर के सेव होती है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। और यहाँ पर विड्रॉल के ही नाम से कंपनी बनाता हूँ, क्योंकि हमें इस वीडियो में विड्रॉल ही देखना है, तो ये विड्रॉल के नाम से बना लिया। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे न्यू कॉलोनी और यहाँ पे देवरिया कर देते हैं। तो ये लोकल एड्रेस है, एंटर करेंगे एंटर करेंगे। यहाँ पर आते हैं जैसे ही, तो यहाँ पे आपका स्टेट आएगा और ये स्टेट डालना बड़ा कंपलसरी है, तो स्टेट डाल दीजिएगा। और यहाँ पर आएगा पिन कोड, तो ये पिन कोड डाल दीजिएगा और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये फाइनेंशियल ईयर है, तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। और दूसरा जो डेट था वो बिगनिंग डेट था, यानी काम कब से शुरू हो रहा है वो डेट थी। ठीक है, मैं अभी फिलहाल इस वीडियो में जीएसटी की बात नहीं करूंगा, सीधा सीधा आ जाते हैं कंट्रोल ए कर देते हैं। कंट्रोल ए करने से पूरा एक ही बार में एक्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर, अब हम आते हैं सीधा कहां, पहली एंट्री हम करते हैं। आपको बहुत बार बता चुका है, लगभग हर वीडियो में ये बात बताता हूं कि पहली एंट्री कौन सी होनी चाहिए। तो पहली एंट्री हमें रिसिप्ट वाउचर में करनी है, जहां कुछ पैसा रिसीव कराना है। तो यहां पर आएंगे वी बटन प्रेस करके। अब देखिए कई बार क्या होता है ना, जब आते हैं आप तो ये आपको इस तरीके से दिखाई पड़ता है। अब ये पेमेंट वाउचर है, तो हमें तो जाना है रिसिप्ट वाउचर में। तो यहां पर जो है कंफ्यूज मत होइएगा, रिसिप्ट वाउचर में ऊपर आपको डेबिट नहीं दिखाई देगा, क्रेडिट दिखाई देगा। और पेमेंट वाउचर में कितना भी करेगा तो यहां ऊपर आपको डेबिट ही दिखाई देगा, तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है, F6 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, शॉर्टकट की F6। क्या प्रेस करना है, F6। तो फंक्शन बटन F6 प्रेस कर लीजिए, आ जाए बटन F6 प्रेस करके आ जाना है कहां, रिसिप्ट वाउचर में। और रिसिप्ट वाउचर में आने के बाद यहां पर अब हमें सारा काम करना है। तो यहां पर हम अल्ट सी करके एक लेजर क्रिएट करेंगे, किसका, कैपिटल अकाउंट का। क्यों कैपिटल, क्यों बार बार मैं कैपिटल की बात करता हूं, क्योंकि कंपनी में जो फंड लगता है उसे कैपिटल ही कहते हैं। अब ये कॉमर्स के लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो केवल टैली यूजर्स हैं, नए यूजर्स हैं, वो ये बात नहीं समझते हैं। तो इस वीडियो में ये समझ लीजिए कि कंपनी में यूज होने वाले फंड को हम किसी भी रुपए पैसे इत्यादि के नाम से ना जान करके किस नाम से जानते हैं, कैपिटल के नाम से जानते हैं। और ग्रुप हमेशा इसका होता है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट करके आगे बढ़िए, एंटर करिए एंटर करिए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। लास्ट तक एंटर एंटर करते जाएंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहां पर वो अमाउंट डाल दीजिए जो आप रिसीव कराना चाहते हैं कंपनी में, तो ये अमाउंट मान लीजिए हमने डाल दिया और यही रिसीव भी कराना चाहते हैं। और ये अमाउंट आप कैश या बैंक दोनों के थ्रू जा सकते हैं। फिलहाल मैं कैश करता हूं, एंटर करता हूं एंटर करता हूं। नरेशन में आपको क्या डालना है, नरेशन में आपको डालना है कि 60,000 है ना, तो 60,000 यहां पे देखिए, ये 60,000 हो गया, RECEIVED रिसीव्ड इन कंपनी, कंपनी हो गया, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। जो हो रहा है वही आप नरेशन में डाल देंगे, बस इतना आपको करना है। ये काम हो गया, अब पैसे हमारे कंपनी में हो गए, तो अब हम इससे कुछ काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं विड्रॉल वाली एंट्री की, विड्रॉल कैसे करेंगे, विड्रॉल करने की क्या एंट्री हो सकती है। तो पूरा डिटेल में वीडियो है, बताऊंगा इसको कि विड्रॉल कैसे करना है, क्या क्या चीजें होंगी, कैसे कैसे होगा। सबसे पहले तो आपको कौन से वाउचर में जाना चाहिए, तो आपको जाना है F4 वाले में, यानी कंट्रा में चलना है। कौन से वाउचर में, F4 कंट्रा वाउचर। तो ये F4 प्रेस करते ही हम आ जाएंगे कंट्रा वाउचर में। अब देखिए आप डेबिट और क्रेडिट दोनों ही के फॉर्म में एंट्री पास कर सकते हैं, और चाहे तो सिंगल एंट्री मोड सबसे आसान होता है कंट्रा वाउचर के लिए। कौन सा मोड, सिंगल एंट्री मोड। तो देखिए अभी हम यहां पे क्रेडिट दिखाई दे रहा है, लेकिन सिंगल एंट्री मोड में कैसे जाएंगे, देखिए यहां पर ये जो पट्टी सी बनी हुई है, इस पट्टी पर नीचे जब आएंगे तो यहां पर आपको चेंज मोड दिखाई देगा, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एच। आप यहां पर क्लिक भी कर सकते हैं या कंट्रोल एच प्रेस भी कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, कंट्रोल एच ही प्रेस कर देना है। तो कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं एच, और जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो अभी हमें इसे बना लेना है सिंगल एंट्री मोड, और जैसे ही आप देखेंगे कि सिंगल एंट्री मोड इसे मैंने बनाया,
तो आप देखिए यहां पर जो है नजर आ रहा है अकाउंट, ये देखिए यहां पर क्या नजर आ रहा है, अकाउंट नजर आ रहा है, और यहां पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, देख सकते हैं यहां पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो अभी यहां पर क्या होगा, तो देखिए जिस खाते में पैसा इन होगा ठीक है वो चीज जो है यहां पर आएगा। तो अगर मान लीजिए कि आपका कोई अकाउंट है उसकी बात में करते हैं, यहां पर हम एक लेजर क्रिएट करेंगे, किसका, कोई भी एक बैंक अकाउंट का लेजर क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे क्रिएट करता हूं कैनरा बैंक, कैनरा बैंक ठीक है। अब ये कैनरा बैंक का लेजर है, एंटर करेंगे और ये जाएगा किसमें, बैंक अकाउंट में। अगर आपको यहां पर बैंक अकाउंट ना दिखे तो क्या करिएगा, बी प्रेस कीजिएगा, देखिए बी से संबंधित लेजर्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आपको करना क्या, ये बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है और यहां अपना बैंक अकाउंट नंबर देना, और यहां अकाउंट होल्डर का नेम आएगा, जैसे मिस्टर राजू ये अकाउंट होल्डर का नेम है, एंटर करेंगे यहां पे अकाउंट होल्डर का जो अकाउंट है वो अकाउंट नंबर है वो दे दीजिएगा ठीक है। तो यहां पे दे करके एंटर करिएगा यहां पे ब्रांच का नेम आएगा, तो ये हो गया आपके ब्रांच का नेम ठीक है। तो ये ब्रांच का नेम हो गया और यहां पर आकर के एंटर करना है आपको, यहां से एंटर करिएगा और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा इस तरीके से ठीक है। अब जैसे ही एक्सेप्ट कराएंगे तो ये केनरा बैंक में पैसा जा रहा है, और किस में जा रहा है, कैश में जा रहा है। तो यहां से आप कैश कर देंगे, और कैश करेंगे तो आपके पास कितना कैश अवेलेबल बैलेंस है वो आपको नजर आएगा। तो यहां पर 6000 मान लीजिए आपने केनरा बैंक में डाल दिया, तो देखिए घट करके 54000 हो गया है। अब यहां पर नोटों की डिटेल आपको डालनी होगी कि कितने नोट किसके थे। तो यहां पर अगर मैं 500 के 10 नोट करता हूं तो ये हो गया इस तरीके से। तो एक काम करते हैं 20 नोट करते हैं, 500 के 10 नोट कर देते हैं और 200 के 5 नोट कर देते हैं, तो ये 6000 हो गया, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये देखिए यहां पर आप जब देखेंगे ना तो ये आपको 54000 नजर आएगा, यानी ये जो कैश अमाउंट है यहां पे देखिए ये 54000 हो गया, जो कैश हमने रिसीव कराया था वो 54000 हो गया, और निकल के किस में गया है, कैनरा बैंक में गया। यानी निकला कहां से है, जो कैश हमने कंपनी में रिसीव कराया था कैश किसी ने दे दिया, किसमें दे दिया कैनरा बैंक में किसी ने दे दिया। अब अगर कैनरा बैंक से किसी दूसरे बैंक में हम ट्रांसफर करते हैं तो वो एंट्री कैसे होगी उसको देख लेते हैं ठीक है। पहले इसको एक्सेप्ट कराते हैं, तो ये हो गया। अब हम एक और बैंक का लेजर बनाएंगे यहां पे, जैसे मान लीजिए हम पीएनबी का लेजर बना लेते हैं, तो ये हो गया पीएनबी, एंटर किया और यहां पर जैसे ही आते हैं तो यहां पर अकाउंट होल्डर का नेम आएगा, तो मिस्टर यहां पे कर देते हैं रितेश, तो एक नाम यहां पे दे दिया मिस्टर रितेश, RITESH, तो ये हो गया मिस्टर रितेश, एंटर करेंगे। यहां पे बैंक अकाउंट नंबर इनका आना बड़ा जरूरी है तो वो जरूर डाल दीजिएगा। तो ये हो गया इस तरीके से, एंटर करेंगे एंटर करके और इसको एक्सेप्ट कराएंगे, तो यहां से इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब पीएनबी में पैसा जा रहा है, कौन से बैंक से जा रहा है, तो कैनरा बैंक से। तो देखिए ये कैनरा बैंक से विड्रॉल हो रहा है, कितना विड्रॉल हो रहा है, तो देखिए 6000 रुपए कैनरा बैंक में आए थे कैश के रूप में, आपने देखा था अभी 6000 रुपए किसमें आए थे, कैनरा बैंक में। और अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से 3000 रुपए निकाल रहे हैं, यानी किससे निकाल रहे हैं, कैनरा बैंक से निकाल रहे हैं ठीक है। देखिए यहां पर ये 3000 रुपए हमने निकाला, अब जो है कैनरा बैंक में 3000 ही बचेंगे और आपके जो ये है इसमें भी 3000 ही बचेंगे पीएनबी में। तो दोनों का बैलेंस आप देख सकते हैं, यानी विड्रॉल करना है तो भी, और अगर आपको पैसा रिसीव करना है तो भी, किस तरीके से आप ये एंट्री करेंगे, कंट्रा में करेंगे। कंट्रा में एंट्री क्यों होती है, बिजनेस के पर्पज से अपने ही बैंक में पैसा रिसीव करना, अपने ही बैंक से पैसा भेजना, इसके लिए जो एंट्रीज होती हैं वो कंट्रा में होती हैं, और इस तरीके से आप विड्रॉल कर सकते हैं ठीक है। विड्रॉल करने के बाद आप देख रहे होंगे कि चीजें अपने आप चेंज हो जा रही है, यानी पैसा अपने आप घट बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए इस बार हम क्या करते हैं, इस बार कैनरा बैंक में पैसा डालते हैं, तो ये कैनरा बैंक हुआ, और कैनरा बैंक में कितने रुपए हैं, 3000 रुपए हैं। तो अगर हम यहां से ध्यान दीजिएगा पीएनबी से, अब फिर वापस पीएनबी से पैसा इसमें जो है डाला जा रहा है, किसमें डाला जा रहा है, कैनरा बैंक में, तो यहां 500 रुपए कैनरा बैंक में डाला जा रहा है। तो देखिए ये घट जाएगा, और आप देखिए पीएनबी में 2500 हो गया और कैनरा बैंक में कितना हो गया, 3500 हो गया, ऊपर आपको दिख ही रहा है। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, इस तरीके से एंट्री हो जाएगी।